गुवाहाटी गुरु एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूँ संदीप, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ट्यूटोरियल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंटर। जानते हैं प्रिंटर क्या है, तो आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जो डेटा रखा गया होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यदि उस सॉफ्ट कॉपी को आपको पेपर पे लेना है तो आपको प्रिंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। जब पेपर पे वही डेटा जब कंप्यूटर में रखा हुआ डेटा जब पेपर पे आ जाता है उसको हम लोग उस डेटा का हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा का हार्ड कॉपी तैयार कर लेते हैं, यानी कि पेपर मैटर को पेपर पे प्रिंट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः उसके कार्य करने की विधि, जो प्रिंट करने का जो मेथडोलॉजी है उसके आधार पर, मतलब प्रिंट करने की विधि के आधार पर हम दो तरीके से प्रिंटर को डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए सबसे पहले जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट छोड़ते हैं, इम्पैक्ट के थ्रू प्रिंटिंग करते हैं। जैसे टाइपराइटर मशीन होता है, टाइपराइटर मशीन में क्या होते हैं, कीज होते हैं ढेर सारे। उन कीज को जब हम प्रेस करते हैं तो वो कीज पेपर पे जो है प्रिंट करते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। इसमें हैमर होता है जिसको प्रिंट हेड बोलते हैं, जो कागज पर रिबन से टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। तो ये हो गए हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। कुल मिलाकर के जान लीजिए कि इसमें रिबन का प्रयोग किया जाता है, इसमें हेड होता है, प्रिंट हेड होता है जब वो रिबन पे जाता है और रिबन से फिर पेपर पे प्रिंट होता है। बिल्कुल टाइपराइटर मशीन जैसे समझ लीजिए जैसे प्रिंट करता है, उसी तरीके का ये इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण कुछ इस तरीके से हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिमल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन एंड ड्रम प्रिंटर, इस तरीके से हैं। इन सभी को एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, यह एक प्रिंट करते समय शोर करता है। पहली बात, जब चूंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है तो लगभग सभी इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट करते समय शोर करते हैं, तो उसी तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी प्रिंट करते समय शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अब अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। प्रिंट हेड 7, 9, 14, 18 और 24 पिनों का ऊर्ध्वाधर समूह यानी हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट छपती है, जिससे एक कैरेक्टर अनेक चरणों में बनता है और लाइन की दिशा में प्रिंट हेड आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटिंग गति 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होता है। आपको अगर देखना है तो कुछ प्रिंटिंग मशीन जो है इस तरह से देखते हैं। अब आपको एक चीज और जानकारी देते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है एक खासियत यह है कि बहुत ही कम कास्ट में अच्छा प्रिंटिंग करता है, प्रिंटिंग कर लेता है। इसलिए ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत ही सामान्य तरीके का रसीद जनरेट करना हो या स्लिप बनाना हो तो वहाँ पे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, ताकि कम से कम कॉस्ट में हम प्रिंटिंग कर सकें। डेसिमल प्रिंटर यह लगभग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसा ही होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें एक व्हील लगा होता है, इसीलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अपेक्षा अच्छी होती है और थोड़ी स्पीड भी इसकी उससे अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइन प्रिंटर। अभी जो दो आपने पढ़ा डॉट मैट्रिक्स और डेसिमल, वो कैरेक्टर प्रिंटर्स थे, वो एट ए टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, जबकि लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं वो ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर हैं। ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। निश्चित रूप से चूंकि ये एक लाइन प्रिंट करता है एक बार में, इसलिए इसकी गति
जो कैरेक्टर प्रिंटर्स थे डॉट मैट्रिक्स और डिजिविल उनसे ज्यादा अच्छी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। चित्र में आप देख सकते हैं ड्रम प्रिंटर कुछ इस तरीके से है, इस तरह से कैरेक्टर्स लिखे होते हैं और ये ड्रम घूमता रहता है और पेपर पर जिस कैरेक्टर की आवश्यकता उसको प्रिंट करता रहता है। उसी तरीके से चैन प्रिंटर है, काम बिल्कुल ये भी वैसे ही करता है। ये चैन की तरह है, जैसे साइकिल का चैन होता है उसी तरीके से ये चैन होता है और ये भी घूमता रहता है और पेपर पर प्रिंटिंग हैमर के थ्रू प्रिंट करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो जितने भी पढ़े आपने वो सभी क्या थे, इम्पैक्ट प्रिंटर थे। इम्पैक्ट करके प्रभाव डाल करके प्रिंट करते थे जिससे उनमें आवाज भी होता था। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, यहाँ पर प्रभाव वाली बात नहीं है तो इसलिए इसमें उन प्रिंटर्स की क्वालिटी भी अच्छी होती है और आवाज भी उतना ज्यादा नहीं होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, ठीक है। फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टीफंक्शन थर्मल प्रिंटर, ये सब एग्जांपल्स हैं। चलिए हम आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कौन कौन से हैं। लेजर प्रिंटर देखिए है, लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि ये एक बार में एक पेज प्रिंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है लेजर प्रिंटर्स में एक कार्ट्रिज होता है जिसमें पाउडर जैसा इसमें इंक पाउडर भरा होता है, उसी इंक पाउडर के हेल्प से जो है पेपर पे वो प्रिंट करता है। तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ये महंगा भी पड़ता है, ठीक है। और जो 300 से लेकर के 600 डॉट पर इंच तक उनकी जो है स्पीड है, ये इतना तेज कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं आप नीचे यहाँ पे ये एक लेजर प्रिंटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्मल प्रिंटर। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन के से अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीन में किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं ये प्रिंटर यहाँ पे थर्मल प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फोटो प्रिंटर। इनका मुख्यतः प्रयोग फोटो प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जेट इंक जेट प्रिंटर। ये क्या होते हैं, ये भी मुख्यतः पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए या अच्छे क्वालिटी के पेपर्स मैटर्स को प्रिंट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें इंक का टैब जो इंक का लिक्विड होता है और ये स्प्रे करता है। इंक जेट जो है एक जेट मतलब जो लड़ाई वाला जो जहाज होता है उस तरीके का, तो उस तरीके जहाज की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो चलता है वो इंक का जेट चलता है यानी फवारा चलता है और वो फवारा पेपर पे प्रिंट करता है। आगे बढ़ते हैं, मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स। ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स ऑल इन वन होते हैं, इसमें स्कैनिंग, प्रिंटिंग और फोटो स्टेट वगैरह भी काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको मल्टी फंक्शन प्रिंटर कहते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।